पापा, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मंत्री। अरे काट लेती है जल्दी। तो अभी जस्ट ब्लॉग बनाते बनाते मायरा अगर किस करे तो ब्लॉग से पहले मायरा के ऊपर अटेंशन ज्यादा रहता है। हां, किस कर बेटा, कि बेटा किस कर दो यहां पे, बेटा यहां पे पुष्पा ने, पुष्पा ने बेटा, पुष्पा ने यहां पे किस कर, एक यहां पे, एक यहां पे, ये नाक बोल दे देने का, अच्छा नाक देता है, नाक नाक दे दे, नाक 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 काट दो भाई, इलाहाबाद में मम्मी आके ग्लो करती है, इसका फेस ना ग्लो करता है बहुत ज्यादा। जो पुष्पा कर दिए, पुष्पा मायरा ज्यादा तुम्हें आज फेयर लग रही हो, पूरा लाल लग रही हो, कुछ करवाई थी फेस में क्या, कर पूरा लाल कहे लग रही है जी, ये हमको बोल बोल के शर्मा के लाल हो गए हो, लाल नहीं लग रही, देखो तो लग रही है कि नहीं, रुको ये काट देना, साड़ी पकड़ के खींच रही आपकी बेटी। हाँ वो कर रही है। तो अभी आज मम्मी खाना बना रही है, आम दाल, आम दाल बहुत टेस्टी बनाती है। आप बेटा चलो चलो, किचन बहुत गर्मी लग रहा है, चलो चलो चलो। और मायरा जब जैसे उसे बड़ी हो रही है उससे बदमाशी करती है लड़की, बहुत बदमाश है ये लड़की, बहुत। तो अभी जा रहे हैं नीचे, देखते हैं शादी का घर है नीचे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे जाके आपको बताते हैं मिक्की क्या कर रही है, जॉन्टी क्या कर रहा है ना मम्मी। हाँ, तो चलिए पकड़िए मायरा को, बहुत गर्मी है। यहाँ पे इस लड़के के लिए कुछ स्पेशल चीज देखा जा रहा है, तो आपने इसके ब्लॉग पे देखा ही होगा कि क्या चर्चा हुआ था, क्या हुआ। तो अभी हम राय लेते हैं सबका, कि स्पेशल जॉन्टी का लेते हैं कैसा, सच में उसको कुछ फीलिंग है या नहीं है। तो कैमरा मैं सीधा उसकी ओर करता हूँ, ठीक है, बस नाम नहीं लूंगा मैं आप लोगों के सामने। तो अभी क्या बात हो रही है बताइए। अरे लड़की को एक पसंद है, बट वो बोल नहीं, मतलब सोच रहा है कि वो प्रपोजल आ जाए मैं एक्सेप्ट कर लूं, बट मुझे मतलब अपना डाउन ना करना पड़े। अच्छा तो तुमको पसंद है, उसको बोलो, बोल रहे पसंद है क्या, हाँ सर हाँ जी बता रही। अरे यार पागल हो गए, नहीं नहीं कर रहा है, नहीं नहीं हम आप बात किए, मैं वो बोलो बात करे कि नहीं करे, मौसी भी पसंद है, घर वालों की बात नहीं काट सकता, ठीक है जहाँ करना हमको पसंद है। भाभी बात करिए, बोल दीदी भाभी सामने करते रहे, वो डाले नहीं है, रुको रुको भाभी को फोन रखने दो, उसके बाद रुक जाओ एक मिनट, रुको भाभी को फोन रखने दो। ठीक थी, अरे अरे दिखाओ शक्ल थोड़ा, मुंह देखो मुंह देखो मुंह देखो, हाँ अच्छी लड़की थी, ठीक थी, अब देख मतलब मैंने देखा नहीं ना, बट शादी कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने मतलब देखा नहीं, मैं तो चीजों क्या, मैं अपन रहते सख्ती से, अपन एटीट्यूड में रहते, अपन किसी पे से, अपन के पास कोई आए तो अपन आगे झुक झुकते नहीं, वरना पिघलते हैं। भाभी आपको पसंद है, भाभी ने ओके किया, मिक्की तुमको पसंद है, जॉन्टी भैया इधर देखिए, यस ब्रो पसंद है क्या, हो सकता है उसके आने से जॉन्टी वॉशरूम में 2 घंटे बैठ के पबजी ना खेले, मतलब इसका ये मतलब है कि ये लड़का 1 घंटे पबजी खेलता है वॉशरूम में जाके। वैसे भाई आप ना पुराने, और मेरे पास इसका क्लिप भी है वॉशरूम का, भाभी करी है 2 घंटा तुम वॉशरूम में क्या कर रहा था, वॉशरूम में क्लिप भी है आपका पबजी खेलते हुए 2 घंटा, जो भाभी जानते 2 घंटा बोलती है ब्लॉग में कि कहते हैं वॉशरूम में क्या कर रहा था, मुझे को सब सब स्क्रीनशॉट चिपका रहा है कि क्या करते 2 घंटे आपके भाई, पबजी खेलता हूं कुछ नहीं है, 2 घंटे नहीं रहता एग्जैक्टली, 2 घंटा नहीं होता, घर वाले पढ़ना से जाते हैं, 15 की बात बताओ क्या
अरे मौसी को भी तो पसंद है। हाँ तो मम्मी लोग ठीक है तो मतलब मम्मी ऑर्डर दे दिए, बोली भाभी को बात कर। मतलब ये है ना कि जो घर वाले जो है चाहेंगे, मैं घर तो घर है तो हमारी बड़ी भौजी है, अपने माँ बाप के पास टाल ही नहीं सकता हूँ कहीं भी मेरे घर में, उनके उनके बल चलना चाहता हूँ। क्योंकि अपनी पसंद मैंने ट्राई कर लिया है और इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छे से पता है, तो मैं मम्मी पापा की पसंद पे ब्लॉग करना चाहूंगा। अच्छा भाभी फिर आपको बात करने के लिए घर जाना पड़ेगा, अपने देवर के लिए जाऊंगी। कहाँ पे कितना दूर है यहाँ से? वो जहाँ से चली भी गई यहाँ पे कहाँ पे? थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ये बताओ उस दिन एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग बैठे थे आराम से बात कर रहे थे, और बात करते ही करते हमारी जॉन्टी भाई किसी का कॉपी करेंगे भाई, वो ब्लॉग दीदी मत देखिएगा। दीदी मत देखिएगा, मेरा कोई गलती नहीं है, यही बोल रहा है। काय पिंच कर पा रहा हूँ वही चीज करने को भाई, कह रहे इतना तो ठीक मैं कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी दीदी वहां बैठी थी उस दिन शादी में, तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा ऑर्डर ले ली भाई, उनकी बात ही अलग है, वो डायरेक्टली है ही नहीं दुनिया की, डायरेक्टली माफी मांग लो भाभी को, बोल ही नहीं दिया। हां उसको बुरा लगा तो यहां से माफी मांग लो आज किसी से ना भाभी, माफी मांगने बोले मैं यही चीज से नहीं बोले, कथा से माफी भी अपन वैसे माफी तो मानता नहीं किसी से, पर हां ठीक है एक सॉरी रख लो मेरी तरफ, इधर झुक गया पुष्पा, एक सॉरी रख लो मेरी तरफ से, अपन झुकता झुकेगा तो नहीं बट थोड़ा सा झुक गया, दोबारा वीडियो नहीं डालेगा, सॉरी बोल दिया अपन, ठीक है एक सॉरी दे रहा हूँ रख लो उसके लिए, थोड़ा सा कॉमेडी है इसके लिए, सॉरी वो तो बता दो, जिसको लेना ले लेगा, हमने दे दे दिया, जिसको बुरा लगा वो ले ले। हाँ जिसको बुरा लगा, नहीं बुरा कोई लगा उनकी वजह से बुरा लगा, तो मैं वो नहीं हूँ, नंबर 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 मैं चेक करती इसको कभी नहीं पता पानी 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 के पानी 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 कोई दिक्कत नहीं है, जो ये बैठे ना इतना बहुत बड़े खबर ही है, क्या क्या पहुंचा दी उनको, नहीं पता चाचू है ये वो भाई ये सब बता दी, आज का हल्दी का फंक्शन जो कि मम्पी डॉट राहुल में आने वाला है, और बी ब्राइट ग्रूम, नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ, आप देखिए ब्लॉग कर ले सब देखें, कि मैं जो तुम हो तो मैच करूँ थोड़ा सा डाल देना, मैं दूसरा चीज डाल दूंगा, तो अभी ब्राइट रूम में आ रहा है गाइस, ट्रेंडिंग पे लेके जाना है वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ऐसे हंसी मजाक हल्दी में भी होने वाला है, और हमारी प्यारी बहन लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक जानती आज क्या नीचे गए, नीचे गए तो जॉन्टी भाई का शादी की बात चल रही थी भाई, जहाँ रिसेप्शन में गए थे ना हम लोग उसी का बात चल रहा था, तो जॉन्टी को मन है पूरा पूरा उसको पसंद है पता है, बट मैंने देखा बहुत प्यारी लड़की है वो भी बहुत अच्छी है, और ये देखो ये पसीने में लाल हो गई है मनप्रीत, है ना इधर मत आइए लग जाएगा पसीने में, तो एकदम टमाटर हो गई हो तुम, तारीफ कर रहा है तो तारीफ ना करे, नहीं कीजिए तारीफ करते तो बहुत ज्यादा एकदम हेयर कट जो करवाई है मैडम, अकबक नहीं हो रहा था बोलो कितना अच्छा लग रहा है, अरे हो रहे थे पहले कि कब करवाया ऐसे टाइप का, मौसी का किचन बहुत प्यारा सा है ना, हम लोग भी ऐसा बनाएंगे, हम लोग वहाँ पे देंगे अच्छे से बनाएंगे, हम लोग भी पता नहीं हम लोग का फ्लैट कब तैयार होगा, हम उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है,
ये मम्मी को लेके जाएंगे, मम्मी को, मम्मी से पूजा वाला जो स्थान है ना वो मम्मी से डिसाइड करवाएंगे हम। और पता है आज है हल्दी, मम्पी डॉट राहुल वाले ब्लॉग में आज हल्दी आ जाएगा, देख लेना आप लोग। और गाइस सुपर चैट इनेबल हो चुका है, अगर आप लोग कमेंट करते हो और कमेंट का जल्दी रिप्लाई नहीं आता है तो आप लोग देखना, डाउनलोड के पास में एक ऑप्शन दिया है थैंक्स बोलने का, आप उसके माध्यम से अपना कोई भी मैसेज दे सकते हो या कुछ भी मैसेज ऐसे कर सकते हो जिससे हमें स्टार्ट में पता चले। तो आप लोग जाके कमेंट करना स्टार्ट करो। और छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा ये गर्मी में बना रही है खाना, पसीना पसीना हो गया है। ओह मेरा बच्चा, यहाँ पे हमारे पास दो दो क्यूटी पाए हैं, एक है खुशी जो खुश रहती है और एक है मायरा जो सबको खुश रखती है। क्या मस्त बोले ना, एक है खुशी जो खुश रहती है और एक है मायरा जो सबको खुश रखती है। हाँ बोलो। बहुत लोग कमेंट्स में किए हैं, हम कमेंट्स पढ़े कि आपकी मौसी इतना गुस्से वाली लगती है और लगती है मम्मी को पसंद नहीं करते है। सबसे पहली बात, मौसी को कैमरा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फैमिली में। और शादी से पहले मम्मी यही थी। हाँ तो आप समझ जाओ कि मौसी को कैमरा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मतलब मेरा सास से पहले अगर अच्छा दोस्ती वाला बॉन्डिंग हो तो मेरा यही मौसी से है और आशा मौसी से भी है, दोनों मौसी से है। मतलब हमारी मम्मी तुमको मतलब लास्ट में मिली? नहीं लास्ट में मिली, मतलब मम्मी क्या है, मम्मी को मेकअप करना पसंद नहीं है, घूमना पसंद नहीं है, मम्मी थोड़ा पूजा पाठ में आगे रहते हैं। दोस्ती वाला रिलेशन क्यों बोला, क्योंकि ये आशा मौसी को शॉपिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, मीना मौसी को मेरे द्वारा मतलब वो लोग भी घूमना पसंद करते हैं, थोड़ा हल्का बहुत ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है ना कुछ ज्वेलरी पसंद है। दो मम्मी को भी पसंद आएगा, दो तुम देती कहाँ। तो मम्मी को गोल्ड ज्वेलरी पसंद आते, मीना मौसी को, आशा मौसी को बहुत तेज बन रही हो आप लोग, बहुत मम्मी का फेवर करते हो ना, तो इसलिए थोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा तुमको मानते हैं पापा मौसा लोग ही मानते हैं? सबसे ज्यादा अगर हमको कोई मानते तो मौसा पापा मौसी लोग मानती है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मौसी पूरा गुस्से वाली है, ऐसे नहीं है। और आपको पता है हम 11 बजे मेरी मौसी गुस्से वाली है, लेकिन पहले थी हमको, अभी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आप डिसिप्लिन में रहो तो बेस्ट है। मौसी को एकदम थोड़ा सा रूल्स, घूमना फिरना सबको पसंद है, मौसी बहुत फ्रैंक है, बट अगर मेरी मौसी मुँह पे बोलती है, अगर उनको गलत दिखा चाहे कोई भी हो मुँह पे बोलेगी, मुँह पे बोलती है। और आपको पता है हम 11 बजे सो के उठे हैं, मौसी सारा काम की, तो मौसी बहुत अच्छा लगा तुमको, अच्छा लगा 11 बजे उठी है मौसी सब काम कर ली। अब उसके बावजूद भी आप लोग बोलते हो, कमेंट करते हो कि मौसी इतना गुस्सेल वाली, मौसी सास जैसे, आप लोग सास के बोलती मेन मत, अभी एक्चुअली शादी का घर है ना, इसलिए रात भर जगती है, इसलिए 11 बजे उठ रही है। वैसे मम्मी पहले उठती थी, बट अब रात भर कैसे जागे हैं हम, रात भर ना 1 बजे सोए हैं, 1 बजे तो 1 बजे कम है क्या। वीडियो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है तुम्हारे चक्कर में, मैं भी किचन में हूँ, मैं भी पसीने से एकदम लथपथ। बाय, टेक केयर, मम्मी डॉट राहुल में ब्लॉग आ रहा है, आप लोग जाके देख लेना।